सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में कि आने वाले मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट आपको किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर आप लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में देखोगे फ्राइडे में, तो निफ्टी में हमको एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, एक अच्छा खासा गैप अप, और उसके बाद वो जो तेज़ी थी वो कंटिन्यूअसली मार्केट में अपर लेवल पे होल्ड करी और ऊपर की तरफ गया। लेट मी जस्ट ओपन द निफ्टी चार्ट। और ये आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, मैं अभी चार्ट पर दिखाता हूँ, डोंट वरी। ये जो तेज़ी जो आ रही है, पहले तो मार्केट धड़ाधड़ करके गैप अप दिए जा रहा है, ना जाने कितने गैप मार्केट ने ऑलरेडी दे दिए हैं, फिर यहाँ पर गैप गैप में गैप अप के बाद ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन होता है तो उसकी जो दो तीन कैंडल रहती हैं वो मार्केट में फटाफट करके ऊपर लेके जाती हैं, फिर होल डे मार्केट साइडवेज रहता है। ऐसा पिछले ना जाने कितने दिनों से हो रहा है। और जो असल में तेज़ी आती है वो आती है मार्केट में 2 बजे के आसपास। अगर आप देखोगे तो 2 बजे के आसपास जो है मार्केट ब्रेक, 2 बजे या 2 बजे के थोड़ा आगे, उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें दिखाई पड़ता हुआ है हमेशा। अभी आजकल जो पिछले कुछ दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वीकली चार्ट की, पहले हम वीकली चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट में क्या, तो वीकली कैंडल तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बुलिश बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको क्या शो कर रहा था लास्ट वाले ट्रेडिंग सेशन में। वन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस एनालिसिस। 1 2 3 4 5 6 7, और ये है वीकली चार्ट। पिछले 7 हफ्तों से मार्केट में वीकली कैंडल कंटिन्यूअसली ग्रीन बन रही है, और आई डोंट नो कि लास्ट हिस्ट्री में ऐसा कब हुआ था। 7 लगातार कंसेक्यूटिव वीकली कैंडल ग्रीन मैंने नहीं देखी थी यहाँ पर। 1 2 3, मुश्किल से 4 5 4 5 4 5। अभी आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर बना था आई थिंक 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 बनी थी। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि जब 2020 में ये क्रैश आया था, उसके बाद इतनी बड़ी रैली आई थी, उसमें भी लगातार 7 ग्रीन वीकली कैंडल नहीं बनी थी जितनी इस बारी बनी हुई है। तो ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतनी तेजी मार्केट में पिछली बारी हुई थी उस टाइम पे भी 7 लगातार ग्रीन वीकली कैंडल नहीं बनी थी जो कि इस बार बनी हुई है। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स मार्केट में यहाँ पर एक भयंकर तेजी आती हुई दिखाई पड़ रही है। वी डोंट नो कि कहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेगा, सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट आएगा रिट्रेसमेंट आएगा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मार्केट तब तक यहाँ पर इरेशनल हो सकता है, तब तक वाइल्ड मूवमेंट वाइल्ड एलिफेंट की तरह हो सकता है, जब तक कि कोई इंसान बैंकक्रप्ट ना हो जाए। इसका मतलब समझते हो कि कोई इंसान समझ रहा है कि भाई इतनी तो तेजी हो गई, अब क्या तेजी होगी, अब क्या तेजी होगी, तो वो शॉर्ट करता रहेगा, शॉर्ट नहीं करेगा तो अपनी शॉर्ट पोजिशन को काटेगा नहीं और मार्केट ऊपर जाता रहेगा। जब वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा ना, तब उसके बाद मार्केट गिरना शुरू करेगा। तो ये एकदम वाइल्ड एलिफेंट की तरह, इसके साथ लड़ना नहीं बिल्कुल भी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी की कैंडल्स, तो आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर ठीक है, कहीं कहीं पर रेड बनी है, लेकिन वीकली में भयंकर बुलिश है। ट्रेड की मैं बात करूं, क्योंकि अभी तो हम देखोगे अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, ना ही कोई ऊपर रेजिस्टेंस, लगातार ऊपर जाए जा रहा है। और इसी चक्कर में क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा डर लग रहा है कि यार पता चला कल गैप डाउन हो गया, तो इस चक्कर में लोग कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर इंट्राडे की बात करूँ तो उसमें हमको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं, सो आई हैव ड्रॉन सम लेवल्स। आप कहोगे सर ये क्या है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मिस मत करिएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे ड्रॉ कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लिया, एंड फिब रिट्रेसमेंट बॉटम टू टॉप मैंने ड्रॉ किया है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इधर एग्जैक्टली, नहीं सॉरी मैंने ज़्यादा ही ऊपर इसको कर लिया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इधर, तो यहाँ पर निफ्टी का 23% का फिब रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आ रहा है। और मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और ये ऊपर गया और 23% पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो बुलिशनेस है वो सुपर बुलिशनेस है। यानी कि एक तो बुलिश होता है, एक होता है सुपर बुलिश, तो इट मीन्स कि मार्केट सुपर बुलिश है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और 38% पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट एवरेज बुलिश है। क्या है, एवरेज, सुपर बुलिश नहीं, एवरेज, मतलब एवरेज बुलिश है, समझ जाओ। अगर मार्केट 50% सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में 50-50 चांस है कि ऊपर जाएगा और 50% चांस है कि नीचे जाएगा। ओके,
और 50% से नीचे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हाई चांस होते हैं कि रिजेक्शन खा के नीचे गिर जाएगा। खैर मैं भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर समझाने के लिए नई वीडियो बनाया हूँ, को एनालिसिस समझा रहा हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि बीच में फिर कोई सपोर्ट हमारे पास है भी नहीं, तो अगर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेता है तो हमको एक और बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को यहाँ से ड्रॉ हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर निफ्टी में हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 21, नोट डाउन कर लेना, 21,322-350 इस रेंज में कहीं अगर मार्केट हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है, सो वी कैन प्लान अ ट्रेड और ये हमारी डिप बाइंग होगी। क्योंकि अगर आपको देखो मार्केट अगर नीचे आता है तो ये अपना डिप लगाने के लिए नीचे आएगा, फिर तेजी स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया 21,320 से लेके 350 तक। जो दूसरा हमारा निफ्टी में बाइंग लेवल होने वाला है, वो बाइंग लेवल आपका कहाँ पर होगा वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड कहाँ पर होगा, 21,520। अब आपको सर ये लेवल आपने कैसे निकाला, इसको निकाला जाता है एक बेहतरीन टूल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, और इसका यूज सिर्फ तब किया जाता है जब मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में काम कर रहा होता है, यानी कि ऊपर कोई भी मार्केट के प्रीवियस लेवल्स होते नहीं है, फ्रेश ब्रेकआउट मिला होता है, हमको पता नहीं कि कहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा, नहीं देगा, रजिस्टेंस लेगा, तो फिर हम इसका यूज करते हैं। और मैं अभी इसका यूज करके आपको दिखाता हूँ, पहले चार्ट को थोड़ा सा मुझे जूम आउट करने दीजिए। तो अगर मैं यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, लाइक दिस ओके। तो अब मैं इसका यूज करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो 21,000, एक जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। तो हमने क्या किया है, हमने इसको कैसे यूज किया जाता है, बॉटम टू टॉप और बॉटम टॉप से फिर जहां पर उसका रिट्रेसमेंट था वहां तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखोगे 38% का और ये लेवल निकल कर आता है 21,520 का, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास कहीं अगर मार्केट हमें ब्रेकआउट देता है, फ्रेश ब्रेकआउट देता है, कंडीशंस क्या होती है, कंडीशंस होगी 9:30 के बाद, 9:30 के बाद अगर मार्केट एटलीस्ट 15 to 20 या 30 मिनट मार्केट अगर 21,520 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, एक बाई साइड का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो वैसे निकल कर आ रहा है 21,600, यहाँ से 80 पॉइंट का है। तो अगर मान लो ये ऊपर जाता है जाता है जाता है 21,600 तक पहुंच जाता है, सो आपको क्या करना है, आपको अपना प्रॉफिट है क्या करना है, प्रॉफिट कर लेना है बुक, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सेकेंड लेवल होगा 21,520, 9:30 के बाद ही लेना है, उससे पहले नहीं लेना है, और 15 से 20 मिनट जब मार्केट सस्टेन करेगा। तो ऐसी कंडीशंस आजकल बहुत मिल रही हैं, जैसे कि ब्रेकआउट दिया फिर होल्ड किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक बाई साइड का ट्रेड बन जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने आपको बाइंग लेवल आपके साथ शेयर करे, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेलिंग में अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है सो हाउ वी कैन ट्रेड फॉर द सेलिंग साइड इन निफ्टी। दोस्तों अगर निफ्टी में मान लीजिए 21,472-500 इस रेंज में अगर मार्केट, यानी कि 21,500 है ये, इस रेंज में अगर मार्केट हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि बिल्कुल आपकी एग्जैक्टली यही रेंज है, यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरीके से, तो इस रेंज में कहीं अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो दिस कुड बी द बेस्ट सेलिंग रेंज। क्योंकि इस रेंज पे अगर सेलिंग का हमको एंट्री मिल गई, मैं एक बात आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, अगर इस जगह पर हमें एंट्री मिल गई और अगर बाई चांस मार्केट ने इस तरीके का मोमेंटम शो कर दिया, तो मुझे लगता है कि 11:30 या 12 बजे तक आपको मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और ये बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, लेट मी टेल यू, इतना मोमेंटम कैप्चर कर लिया ना, तो जितना इस रैली में नहीं बनाया उतना आप सिर्फ यहाँ पर बना लोगे। बस आपको एक सही एंट्री मिलनी चाहिए, तो सही एंट्री ये हो सकती है अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो ऊपर निकल जाता है 520 के ऊपर, तब तो खैर बात ही खत्म हो जाती है। तो पहला सेलिंग लेवल मैंने आपको ये बताया। तो दूसरा सेलिंग लेवल है निफ्टी में, वो है 21,290 के नीचे जब ये निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ पर है दोस्तों ये कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है इस, तो यानी कि अगर ये इस सपोर्ट को आपको ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर देखो रिस्क रहेगा, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका थोड़ा रिस्क फ्री ट्रेड रहेगा। मतलब रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन रिस्क थोड़ा कम रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा रहेगा। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो सकता है थोड़ा कम रहे 21,290 के नीचे। तो ये रही कुछ आपकी निफ्टी की एनालिसिस। हम निफ्टी में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बिकॉज आप सब लोग उस इंडेक्स को काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं।
अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमेशा पहले हमको वीकली कैंडल, हमेशा नहीं, आजकल वीकली कैंडल दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको बताना है कि भाई क्या चल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि निफ्टी में तो पिछले 7 हफ्तों से ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल बनी है वीकली ग्रीन। लेकिन भाई साहब इन कैंडल्स का स्ट्रक्चर देखिए, मतलब हाइपर बुलिश है, सुपर नहीं, हाइपर बुलिश दिखाई पड़ रही है ये कैंडल। ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट, ये जो लेवल है मार्केट, इसको सूनर और लेटर तोड़ ताड़ के 49,000, तो कुछ भी नहीं है यार, 49,000 तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक दिन में ही। तो अब इस कैंडल को ही देखो यार, तुम इस कैंडल को ही देखो तो कितनी बुलिश लग रही है। अगर मार्केट असली मोमेंटम में आ गया तो 49,000 एक दिन में ही पहुंचा देगा। खैर ये तो वीकली कैंडल है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चलें तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट जिस हिसाब से इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो सीधा फिर राउंड नंबर पे रुकेगा, जाके रुकेगा जो कि है इसका 49,000 का रेजिस्टेंस। सो हाउ वी कैन ट्रेड, कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे अपना, उसको छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपको शो करनी है, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है और ड्रॉ करनी पड़ी मुझे। तो यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ने क्या किया था, थोड़ा सा ये देखिए क्या किया था मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पर। यहाँ पर रजिस्टेंस ली, सॉरी सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, और मार्केट ने लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में इसके नियर बाई थोड़ा सपोर्ट लिया हुआ है, और यहीं से इसने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। तो ये ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए काम आ सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। बात करता हूँ मैं ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेडिंग आपको सबके मन में यही सवाल होगा कि भाई ऊपर तो रजिस्टेंस है, क्या अब हम और फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। देखिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं, जो बैंक निफ्टी का हमारे पास बाइंग लेवल निकल कर आता है उसके लॉजिक भी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि बस बाय कर लेना। 47,750 to 800, अब ये एक्चुअली में लेवल है कहाँ पर, ये लेवल निकल कर आता है कहीं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो रेंज होगी। अब आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, पहली बात मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, और ये जो इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है ये भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो तीन चार चीज़ों का कंफर्मेशन यहाँ पर मार्केट में मिल रहा है। 47,750 to 800 ये आपका बैंक निफ्टी में पहला बाइंग लेवल होने वाला है। जो दूसरा बाइंग लेवल होगा बैंक निफ्टी में वो होगा 48,330। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आपने निकाल लिया, इसको मैंने निकाला है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ना, इस तरीके से निकालते हैं हम, तब वो हमको ऊपर के रेजिस्टेंस बताता है मार्केट में। तो वो निकल कर आ रहा है 48,330 के ऊपर, जब मार्केट निकलेगा तब हम क्या करेंगे, 9:00 वो तो 9:30 के बाद ही निकलेगा डेफिनेटली। गैप अप हो जाता है भाई तो फिर देखो वो तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, उसमें हमारे हाथ में नहीं रहती फिर एनालिसिस। लेकिन 9:30 के बाद अगर मार्केट 48,330 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। एटलीस्ट मार्केट 15 से लेके 20 मिनट सस्टेन करना चाहिए, और 9:30 ये आपका टाइम होगा इसके बाद। तो फिर से लिख लेता हूँ मैं आपको, 48,330 ये आपका एक ब्रेकआउट लेवल होगा और सेफ लेवल हो सकता है बाइंग का, इससे पहले मार्केट रिजेक्शन खा के नीचे भी गिर सकता है। ओके, तो दो लेवल बाइंग के थे, अब मैं आपको सेलिंग लेवल के बारे में बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में। 48,050 to 48,100 ये आपका होगा रेजिस्टेंस लेवल, और ये होता है कहीं यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक कहीं जाता है। तो ये कुल मिला के आपकी सेलिंग रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ना तो आपको करना है यहाँ पर बाय, ना आपको करना है सेल, क्योंकि ये आपकी थोड़ा सा रिस्की जोन रहेगा। सेलिंग के लिए आप देख सकते हो, लेकिन बाइंग के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देखना है। बाइंग के लिए जो लेवल मैंने आपको बताया उसके बाद ही देखना है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन मिल सकता है और ये नीचे भी आ सकता है। 48,050 से 48,100 क्या होगी आपकी एक सेलिंग रेंज होने वाली है। ये हो गया पहला सेलिंग लेवल। तो दो बाइंग लेवल रहते हैं, दो सेलिंग लेवल होते हैं। सेलिंग का मैंने एक लेवल आपको बता दिया, एक लेवल और आपको बता रहा हूँ, वो है 48,950 के नीचे जब मार्केट निकलेगा। 47,950 होगा आई थिंक, यस 47,950, 47,000 माई मिस्टेक, 47,950 अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है जो कि ये है ये, तो फिर हम सेल करके चल सकते हैं और टारगेट सीधा हम यहाँ का रखेंगे फिर, क्योंकि यहीं पे सपोर्ट है ना, फिर तो यहाँ तक के टारगेट हम रख के चल सकते हैं। ये रही आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। दोस्तों आई होप कि आपने बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखी होगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, लिंक मैंने इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपको ऐसा फोर्सफुली तो नहीं कहूंगा कि भाई आप चैनल जाके ज्वाइन करो, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक बार चैनल पर विजिट करना और इन लेवल्स को देखना और फिर चार्ट्स को ओपन करके देखना। आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो जो लेवल्स दिए हैं जब मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट ये तो बहुत ऊपर निकल जा रहा है, और अगर मार्केट मेरे दिए हुए सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है
तो फिर वहां से मार्केट रिवर्स कर जा रहा है। और ये इतनी हेल्प करता है लाइव मार्केट में कि आप यकीन मानिए, क्योंकि जब आपको आपने खुद की एनालिसिस तो ऑलरेडी कर रखी है, आपने क्रॉस चेक कर रहे हैं यार, अब क्रॉस चेक करते ही आपको वही एग्जैक्ट लेवल मिल रहे हैं जो आपने एनालिसिस कर रखी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है ट्रेड करने में। समझ रहे हो बात को? कॉल टिप्स के भरोसे मत रहो भाई, कॉल टिप्स के भरोसे मत रहो, क्योंकि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, लेवल्स देखने पड़ेंगे, कॉल टिप्स के भरोसे मत रहिए। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के एनालिसिस पे, हम कल किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। ये देखिए यहीं पर लगा हुआ है ये, तो पहले चलो ये मैं इसके थ्रू आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने फिब एक्सटेंशन ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। तो फिब एक्सटेंशन के हमें क्या बता रहा है कि अगर हमें मार्केट 21,615 इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम बाई के लिए जा सकते हैं। और ये मेरी थ्योरी है कि 9:30 के बाद थोड़ा सा मार्केट में जो अप एंड डाउन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, तो 9:30 के बाद अगर मार्केट 21,615 के ऊपर निकलता है तो हम बाई साइड के ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हम अपने हिसाब से आप अपने रख सकते हो, जितना भी आप डाइजेस्ट कर सकते हो प्रॉफिट। ओके, वो डिपेंड करता है कितने लॉट आपने लिए हुए, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल होगा। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं डिप बाइंग लेवल की बात। तो डिप बाइंग लेवल तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये यहाँ पर एक डिप लाइंग लेवल है, नीचे से ट्रेंड लाइन मार्केट को कंटिन्यूसली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो दो दो चीज़ों के कन्फर्मेशन तो यहीं पर हो गए हमारे लिए। तो अगर मार्केट अगर मार्केट 21,372 400 इस लेवल पर मार्केट क्या करता है, डिप बाइंग सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो में इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो कि मेरे को ना वीडियो बनाने में इतना ज्यादा मोटिवेशन, इतनी एनर्जी मिल जाती है जब मैं देखता हूँ वाईटी स्टूडियो को ओपन करके, भाई लोगों का प्यार, लाइक और व्यूज वहां पर लोगों के रहते हैं और कॉमेंट भी रहते हैं। मेरे को लगता है यार कि चलो वीडियो को ना लंबा बनाते हैं और डीप बिल्कुल चार्ट में घुस जाते हैं और तब समझाते हैं, वरना मैं कह देता कि भाई 21,370 पे बाय कर लो, बस बात खत्म, 5 मिनट की वीडियो खत्म हो जाती है। लेकिन जिस हिसाब से आप प्यार दे रहे हो तो वीडियो को मजा आ रहा है बनाने में, मतलब खुद अंदर से ऐसा खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता शब्दों में। अब आप सोच लो इतनी खुशी मिल रही है जब आप लोग लाइक कर रहे हो, तो हर एक पर्सन जो वीडियो देख रहा है वो लाइक करता है ना, अगर तो अगली वीडियो में मैं और डीप एनालिसिस करूंगा, जितना मेरे से निकल सकता है आउटपुट उससे ज्यादा मैं आपको सिखाने का ट्राई करूंगा। इतना ही मैं आपको फिलहाल अभी कह सकता हूँ, ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा बातों से, बट प्यार बहुत दे रहे हैं आप लोग। तो ये मैंने आपको बताया 21,370, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूअसली दो बार सपोर्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे भी गिरा था। तो ये मैंने आपको बता दिया दो बाइंग लेवल। सेलिंग की बात करूँ, सेलिंग सिर्फ सिर्फ एक ही है, वो है 21,532 570। इस लेवल पर अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, जो कि यहीं पर है एग्जैक्टली मार्केट 21,530 से 570, तो ये हमारी क्या होगी फिर निफ्टी में सेलिंग रेंज होने वाली, क्योंकि टॉप में है। यहाँ पर बाइंग का तो सोचना भी मत, सोचना है तो 21,615 के बाद। ओके दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।